अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर जूही घर पर आ रही है तो मेरे पास एक प्लान है। इस धागे की वजह से रूही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फाइनली मैं अपना पूरा फोकस नहार पे कर सकती हूँ। अब नहार ये लो ना, थोड़ा सा और लो, देखो ना तुम कितने कमजोर हो गए। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ले लूंगा। ओके। दादी एक सेकंड दादी, बस 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 पानी पीजिए। समर टिश्यू ये लीजिए दादी। थोड़ा पानी पीजिए। माँ खून, हे भगवान। माँ जी आप ठीक है? नहार, छोटी माँ, पहले माँ जी के नाक से खून निकल रहा था बेटा, अभी मुंह से खून निकल रहा है। तो बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। दादी, दादी आपको गले में तो तकलीफ नहीं है ना, या कहीं और तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं बेटा, कोई और तकलीफ नहीं है। दिखाइए। दादी मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवाने वाला हूँ, ठीक है? और आप मुझे नहीं मना करेंगे? ओके जी डॉक्टर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जूही की फोन करिए, पता नहीं सब सब ठीक है कि नहीं, इसके दादू को तो कुछ नहीं हो गया। हेलो, हाँ जूही। हाय समर, सॉरी ऐसे अचानक से फोन किया, लेकिन क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? मेरे घर क्या सब ठीक है? अब हाँ, वो मुझे ना रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर ना उसका सामान देख लेती, कि चीजें देख लेती ना तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल जाती, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ, आती हूँ। हाँ ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ये समर अभी दरवाजा क्यों खोल रहा है? डॉक्टर आ गया क्या इतनी जल्दी? जूही, अब तो इस लड़की की हमारे घर आने की कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों आई है? जूही तुम? माँ वो जूही को ना रूही भाभी की बहुत याद आ रही थी, तो वो उनका सामान देखना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। रूही का सामान तो मैंने रूम में रखा था, मुझे पता है छोटी माँ, मैंने उसका सामान वापस अपने कमरे में रख दिया। जूही तुम मेरे कमरे में जाकर देख सकती हो। जीजू, क्या मैं रूही के सामान के साथ थोड़ी देर अकेले रह सकती हूँ? प्लीज। ठीक है। थैंक यू जीजू। का सामान तो मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया था, फिर वो स्टोर रूम में कैसे आए? और नहार सामान अपने कमरे में क्यों ले गया? रूही का सामान वापस आ गया? हे भगवान, कहीं रूही का भूत रूही का सामान तो नहीं लाया? और ये जूही अचानक रूही का सामान क्यों देखने आई है? रूही 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 जूही, रूही सबसे पहले तू खाना खा ले। हाँ मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, चल आजा खा ले जल्दी से। तुझे पता है आज दादी ने गट्टे की सब्जी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? ये देख।
जल्दी से खा ले, मुझे भूख लगी होगी ना। ले। नहीं रोही, मेरा पेट भरा हुआ है, पहले तू खा। ले। तू जल्दी से खा ले, फिर तेरे पैर पे दवाई भी लगानी है ना मुझे। तुझे ना अपना ख्याल रखना होगा, मेरे दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। तुम रोहित से बात कर रही थी ना, कहाँ है वो? बताओ, वो जिंदा है ना? बताओ कहाँ है रोहित, कहाँ है? मैंने सुना है तुम रोहित से बात कर रही थी। रोही, 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 जूही बताओ मुझे रोही कहाँ है? रोही, 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 तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी अग्नि। अग्नि ये जूही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जूही ये नाटक बंद करो, समझी? मैं जूही नहीं, रूही हूँ। मैं जूही के शरीर में हूँ अग्नि। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अग्नि। अग्नि, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मुझे क्यों मारा। रूही, दूर हटो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई धागा, कोई टोटका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अग्नि। तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दूर हटो तुम बच्चन, दूर हटो। ठीक दादी, डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया चेकअप। प्लीज उससे पहले कुछ टेस्ट भी करने, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, चल। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ ना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या अग्नि को क्या हुआ? रोज ऐसी चिल्लाती है, चलिए देखकर आते हैं अब क्या हुआ। आराम से बच्चे, बताओ तुमने मुझे क्यों मारा? खोलो नहार, खोलो दरवाजा, बचाओ मुझे, नहार खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। अग्नि, नहार, नहार। अग्नि क्या हुआ? क्या हुआ अग्नि? प्लीज मुझे बचा लो। अग्नि हुआ क्या? मैंने रूही को यहाँ देखा था नहार। अग्नि कहाँ है रूही? यहाँ अग्नि, यहाँ सिर्फ जूही है। पता नहीं चीजू अग्नि को क्या हुआ है। मैं तो यहाँ रूही की तस्वीर लेके बैठी हुई थी, अचानक से आई और यहाँ बोलने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बाहर जाने दो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि को क्या हुआ। अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये भी। अग्नि बेटा, मेरी मानो तो तुम माँ जी के साथ साथ अपना इलाज भी करवा लो। मुझे लगता है रूही के मरने का कुछ ज्यादा ही सदमा तुम्हें लग गया है, तभी तुम्हें हर जगह बस रूही दिखाई दे रही है। नहीं आंटी, वो ये
जूही ये पक्का आदमी होगी। जैसे हमने कल उसको डराया था हमें वैसे ही मिलकर उसको डराना होगा। ये सब क्या हो रहा है? रूही के अंदर जूही की आत्मा थी या कुछ और बात है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या सच में मुझे डॉक्टर की जरूरत है? मुझे वापस उस बाबा से बात करनी पड़ेगी। जूही, थैंक यू जूही, आज तेरी वजह से मैं अग्नि को डरा पाई, वरना मुझे लगा था कि मैं अपने पैर की चोट की वजह से अग्नि को नहीं डरा पाऊंगी। कोई बात नहीं रूही, लेकिन हमें ना इस खेल को और ज्यादा डरावना करना होगा, क्योंकि अग्नि डर तो रही है लेकिन इतना नहीं कि वो अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोले, समझ रही है? तो इसी बात की तो टेंशन है जूही, मैं तो बस इसी उम्मीद में हूँ कि अग्नि की झूठ की दीवार कभी ना कभी हमारे डर के हथौड़े से जरूर टूटेगी और वो टूटकर अपने मुंह से सच कबूल करेगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।